अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अमजेद। आप देख रहे हैं टेक टू अमजेद। सो आज इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को बताऊंगा कि वर्ल्ड प्रेस की वेबसाइट को सर्च कंसोल के अंदर कैसे किस तरह से ऐड किया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है। एडवांस टेक्निक के साथ आप दोस्तों को आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखते रहना है। तो सबसे पहले आपने अपनी वर्ल्ड प्रेस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वर्ल्ड प्रेस वेबसाइट को जब आप ओपन कर लेंगे, उसके अंदर आप प्लग इन यूज कर सकते हैं। प्लग इन आपका योस्ट प्लग इन यूज कर सकते हैं, रैंक मैथ प्लगइन भी यूज कर सकते हैं, उसके बगैर भी उसको यूज कर सकते हैं। आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो रैंक मैथ के जरिए बताने वाला हूँ। तो रैंक मैथ प्लगइन को आपने इंस्टॉल कर लेना, मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। इसको आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है रैंक मैथ के ऊपर। जब इसके डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे तो आपका इसके ऊपर तमाम चीजें इंटरफेस मिल जाएंगी, जैसे कि 404 मॉनिटर है, उसके बाद EMP वर्जन है, और इसके अंदर और भी काफी चीजें आपको अवेलेबल की गई हैं। लेकिन सबसे पहले आपने यहाँ पर जनरल पर क्लिक करके इसकी सेटिंग के अंदर चले जाना है। जब इसकी सेटिंग के अंदर आ जाएंगे, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होगा लिंक बेडक्रम्स और वेबमास्टर टूल। वेबमास्टर टूल को आपने क्लिक करना है। आपके पास ये वेबमास्टर टूल का ऑप्शन आ जाएगा और नीचे आपको यहाँ पर लिखा होगा गूगल सर्च कंसोल। आप यहाँ पर क्लिक करके भी आगे जा सकती हैं, नहीं तो आपने अपने सर्च कंसोल को ओपन करना है, अपनी वेबसाइट को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आ जाना है और इस जगह पर क्लिक करते हुए आपने सिंपल से जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है एड न्यू पर। एड न्यू पर जब क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, इस जगह पर आपने क्लिक कर देना है और आपके पास नीचे एक ऑप्शन होगा कंटिन्यू। कंटिन्यू पर आपने क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ से वेरीफाई होगी आपकी प्रॉपर्टी। वेरीफाई प्रॉपर्टी होने के बाद आपके पास यहाँ पर काफी ऑप्शन आ रहे होंगे, जैसे कि HTML फाइल आ रही होगी, इसको आप अपनी होस्टिंग के अंदर यूज करते हुए अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यह तरीका मैं यूज नहीं करता, ये एक लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि होस्टिंग को ओपन करो, सी पैनल के अंदर जाओ, फिर अपनी फाइल को ओपन करो, फिर उसके अंदर जाके इसको यूज करो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है HTML टैग। HTML टैग को मैं ज्यादातर यूज करता हूँ, इसका तरीकाकार आप दोस्तों को सिखाने वाला हूँ। उसके नीचे हमारे पास गूगल एनालिटिक भी आ रहा है, उसके बाद गूगल टैग मैनेजर भी आ रहा है, और भी काफी चीजें हैं। तो आपने क्या करना है, सिंबल से HTML टैग को यूज करना है। HTML टैग एक सिंपल सा तरीका है और इसको यूज करते हुए आसानी के साथ आप यहाँ पर सर्च कंसोल के अंदर एड हो सकती है। तो इसको आपने कॉपी करना, और ये चीज भी बता देता हूँ कि ये साइट क्लाइंट की है, मेरी नहीं है। सो वीडियो के दौरान ये तमाम चीजें मैं बयां कर देता हूं और बता भी देता हूं, तो आपने इस चीज को फॉलो करते हुए आप ये भी समझ लिया करें कि ये जो चीजें मैं बताता हूं सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज हो सके और ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल कर सकें और वेबसाइटों के अंदर अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। उसके बाद जब आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद आप यहाँ जाना है डैशबोर्ड के अंदर। रैंक मैथ के डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद सर्च कंसोल को आपने यहाँ पर क्लिक करके इसके अंदर पेस्ट कर देना है। जब इसके अंदर पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि सर्च कंसोल हमारे पास आ चुका है। उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन होगा ये सेव का, सेव पर आपने जस्ट क्लिक कर देना है। जस्ट इतना ही करना है, ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है चिड़चिड़ी। ये जब कर लेंगे आपके पास यहाँ पर ये कोड सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपने यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। जब आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई हो चुका है, गूगल ने हमारी साइट को मतलब के पकड़ लिया है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, डन एंड गेट टू प्रॉपर्टी। आप इन दोनों में से किसी चीज को भी यूज कर सकते हैं, डन को भी यूज कर सकते हैं, गेट इनटू प्रॉपर्टी को भी। हम यूज करेंगे गेट इनटू प्रॉपर्टी को। इसको मैं क्लिक करता हूं, हमारी प्रॉपर्टी के अंदर ये चली जाएगी। जब हमारे पास यहां पर ये एक ऑप्शन आ जाएगा, हमने एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर हम साइट मैप को भी इंस्टॉल करने वाले हैं, साइट मैप भी इसके अंदर सेट करने वाले हैं। तो आपने साइट मैप के ऊपर क्लिक करना है। साइट मैप के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपने चले जाना है अपनी वेबसाइट के अंदर। वहां पर जाने के बाद आपने सिंपल से साइट मैप सेटिंग को आपने क्लिक कर देना। जब आप साइट मैप सेटिंग को क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर साइट मैप की सेटिंग आ जाएगी। आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि लिंक पर साइट मैप 200। आप इसकी लेंथ जितनी भी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, उसकी रेंज रख सकते हैं। यहाँ पर लेंथ वो बता रहा है 200 की जगह पर आप 500 भी रख सकते हैं, 1000 भी रख सकते हैं, 5000 भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देने के लिए इसको हम कर देते हैं 500। तो 500 आप यहाँ पर सेटअप दे सकते हैं। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल से जस्ट आपने लिख देना है इसके आगे 500। तो ये 500 हो जाएगी, सही हो गया, ये 500 हो जाएगी। और आपने यहाँ पर कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, जस्ट आपने यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपका साइट का नाम, और यहाँ पर देख सकते हैं इंडेक्स XML, इसको आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने इस ऊपर वाले को कॉपी कर लेना है, यहाँ से देख लें स्लाइड से आगे आपने कॉपी करना है, इससे पीछे नहीं कॉपी करना। इसको कॉपी करना है, यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर देख लें हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, ये वाला। इससे ये होता है कि आपकी कैटेगरी हर एक चीज यहाँ पर इंडेक्सिंग होती जाएगी। इसको मैं ज्यादातर इतना यूज नहीं करता, तो यूज जो मैं करता हूँ वो है हमारे लिए पोस्ट एंड कैटेगरी। कैटेगरी को भी आप यूज कर सकते हैं या पेज को भी यूज कर सकते हैं, ज्यादातर मैं पोस्ट यूज करता रहता हूँ।
तो आपने सिंपल से जस्ट इसको इतना ही कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने सेट के अंदर आ जाना है। सेट के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको आके पेस्ट कर देना है। जब यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा पेस्ट साइट मैप एक्सएमएल, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने इसको सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपके पास जितनी भी पोस्ट होगी वो साइट मैप के अंदर आ जाएंगी और गूगल के अंदर जल्द से जल्द रैंक हो जाएंगी। अब यहाँ पर देख लें, दो पोस्टें हमने यहाँ पर की हुई हैं और सक्सेसफुल हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है 6 अप्रैल 2021 को ये साइट मैप हमने इसके अंदर इंडेक्स करा दिया है। अगर दूसरे को भी आप यहाँ पर यूज करना चाहती हैं, जैसे कि ये हमारे पास ऑप्शन है, इसको भी यूज कर सकती हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं, कैटेगरी को भी यूज कर सकते हैं। कैटेगरी पर आपके पास कॉपीराइट का भी इशू आ सकता है, क्योंकि कैटेगरी सेम टू सेम हर जगह पर हर एक वेबसाइट के अंदर लाजमी होती रहती है। तो आप ज्यादातर यूज किया करें तो आप इसको सिंपल यूज कर लिया करें, पोस्ट साइट मैप एक्सएमएल को यूज कर सकते हैं या साइट मैप इंडेक्स एक्सएमएल इसको भी यूज कर सकते हैं। इससे ये होता है कि हमारी वेबसाइट की जो वो इंडेक्सिंग होती है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। इसको भी आप यूज कर लिया करें, इन दोनों को यूज करें, बाकी किसी को भी यूज ना करें। ये जब दोनों यूज कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हर जगह पर आती रहेगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, खुदा हाफिज़।